हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह। तो गाइस हाँ गाइस, आज मैंने छुट्टी कर ली स्कूल की, क्योंकि आज मुझे था बहुत सारा काम घर का, जो भी घर के छोटे मोटे काम थे वो करना था। और बाहर जो समरसीवर हुई थी, मैंने कल बताया था समरसीवर का काम खत्म हो चुका है। तो वो जो सारा रेत था वहाँ का, रेत और चिकनी मिट्टी, वो बराबर बराबर लेंथ में लानी है मुझे ही। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखो हमारा है नाश्ते में चिकन और रोटी। तो गाइस ये मेरा है और ये मेरे भाई का है, मतलब कि इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। और रोटी है सुबह के नाश्ते में, बताऊँ चिकन खा रहे हैं यार। गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद, अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं सुबह का, फिर मिलते हैं आप लोगों से, घर के बहुत से काम भी करने, जल्दी से नाश्ता करते हैं अब। तो हाँ गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है और अब भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बाहर का काम तो जब ही होगा जब मशीन हट पाएगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना स्कूल का काम कर लेता हूँ। तो गाइस बाहर का काम तो हम करेंगे बाद में, पहले मैं अपने स्कूल का काम कर लेता हूँ, जो कि स्कूल का मेरा पेंडिंग काम है। तो पेंडिंग काम पहले पूरा कर लेते हैं, फिर हम मैं नहाऊँगा, फिर देखते हैं फिर आगे क्या सीन होता है। पहले अपना स्कूल का काम पूरा करते हैं, चलो पहले जा रहा हूँ मैं स्कूल का काम करने। तो हाँ गाइस स्कूल का काम हो चुका है। तो गाइस स्कूल का काम करने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो दिन भी हो ही गया था, मतलब 1:30 से 2 बज गए थे। तो हम खाना खाने बैठ गए थे, तो खाने में देखो गाइस क्या है, अभी दिखाता हूँ। खाने में है चने की दाल और चावल और चिकन। ये देखो गाइस, चने की दाल है और चावल और चिकन, चिकन के 2 पीस ले लिए मेरे गाइस। मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो हाँ गाइस दिन का खाना खा लिया है। तो गाइस अभी का सीन तो कुछ भी नहीं है, दिन का खाना खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ बर्तन धोने, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि यार बर्तन भी तो धोने होते हैं ना दिन में। तो मिलते हैं आप लोगों से, पहले बर्तन धोते हैं यार। तो हाँ गाइस, जैसे कि मैंने बोला था मैं जाने वाला हूँ बर्तन धोने। तो देखो गाइस बर्तन धोने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, एप्रन सब पहन के, और देखो एप्रन भी मेरे से मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस कल है वोट, आज हमने स्कूल की छुट्टी कर ली और कल भी हमारी स्कूल की छुट्टी है, और कुछ नहीं, बस बर्तन धोते समय मिलता हूँ। ये देखो उसका कलर मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है पहनने में। अब बर्तन धोते समय मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ गाइस हमारे जो बर्तन थे वो धुल चुके हैं और अब शाम भी हो चुकी है। तो गाइस हम जा रहे हैं पेड़ में पानी डालने। तो गाइस मिलते हैं छत्ते, पेड़ में पानी डालेंगे और जो कबूतरों के लिए पंछियों के लिए पानी रखते हैं वो भी देकर आएंगे। तो गाइस मिलते हैं, बर्तन तो धो ही लिए, अब चलते हैं ऊपर पेड़ों में और पक्षियों को पानी देने। तो मिलते हैं अब छत पे। हाँ गाइस हम आ चुके हैं छत पे अपने पेड़ों में और अपने पक्षियों को पानी देने। तो गाइस पहले तो हम क्या करते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं। जब तक गाइस हम पेड़ों में पानी डालने, आप भी देखो यार, सिर्फ देखते रहो यार, पेड़ों में पानी डालते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस तुम हमारी छत पे आओगे, मतलब तुम कभी मेरी छत पे आओगे तुम पता क्या देखोगे, हमारे छत पे अधिकतर तो पेड़ पौधे ही दिखेंगे तुम्हें, चाहे गमले में हो चाहे वो किसी टीन के डब्बे में काट के रख रखे हों। मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसे ही देखो, ये हमने फॉर्चून का तेल आता है वो काट के इसमें बना दिया, और ये देखो ये जब करवा चौथ का था जब बना दिया, ये तो दारू की बोतल से बना दिया, और ये भी देखो ये भी तेल का डब्बा काट के बनाया, ये भी तेल का डब्बा काट के बनाया, ये हमने टूटी हुई बाल्टी लगा दी, और मतलब अधिकतर तो खरीदे हुए हैं। ये भी देखो हमने तेल के दोनों डब्बे काट के लगाए हैं, वो ही बाल्टी टूटी हुई थी, वो देखो दही का डब्बा था, और ये देखो यहाँ पे भी मतलब कि वही है फॉर्चून का तेल। ये देखो ये इन्वेटर का पानी इसमें आता है, इन्वेटर के पानी वाले में, वो भी इन्वेटर का पानी वाला है, ये ख़राब बाल्टी में, और ये इसमें, और भी बहुत सारे हैं हमारे घर पे। तो हाँ गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप मेरे घर पे कभी भी आओगे ना तो आप चीज़ देखेगी, आप लोगों को ये देखेगा कि हमें अधिकतर चीज़ होती है इसे रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ नया जुगाड़ बनाया। तो गाइस आप मेरे छत पे आओगे ना, वहाँ पे देखोगे आपको ये मिलेगा, टूटी बाल्टी में लगा रखा होगा बिल्कुल अच्छे से करके, उसमें टेप वेप मार के, और फॉर्चून हो गया, फॉर्चून का तेल जिसमें आता है उसमें, और मतलब बहुत सारी तेल की कैन में जो ख़राब कैन हो जाती हैं उनमें, लोहे वाली टीन में,
और ख़राब बाल्टी हो गई उसमें दही के डब्बे में, आपको इन सब में मिलेंगे पेड़ पौधे, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें हमें बनाने में अच्छी लगती है और एक तरीके से हमें कलाकारी समझ लो यार, ऐसी हैं भाई हम। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ छत पे, अपने जो पक्षी आते हैं ना दिन में, पक्षी आके बैठते हैं हमारी छत पे, तो उनके लिए ये डालने के लिए शाम हो चुकी है यार, मैंने सोचा पेड़ों में पानी डाल देता हूँ, पेड़ों में तो पानी डाल दिया और अब हम जा रहे हैं छत पे, देखते हैं भाई क्या होता है। ये देखो अब ये डालूंगा मैं बाजरा, बाजरा गिर रहा है यार, बाजरे में धूल धूल निकल रही है उसके, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं बाजरा डालने ऊपर से मपराल छत पे, और उनमें जानवर जानवरों को भी खाना, शायद उन जानवरों को तो दिन में खाना देते गली वाले कुत्तों को, और अब बस जा रहे हैं पक्षियों को थोड़ा खाना देने और उन्हें पानी डालने, तो मिलते हैं ऊपर ही। हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने ऊपर वाली छत पे, देखो टंकी ये हमारी, इसमें से पानी निकाल के अब हम देंगे पानी। पहले मैं बाजरा दे देता हूँ अपने, मतलब कि जो पक्षी आएंगे आ जाएँ या कल आएँ या पसवाएँ, और आराम से खा पी लेंगे, तो डालते हैं बाजरा। बाजरे की पन्नी खोल ली है, अब इसमें से बाजरा उठाते हैं और ऐसे करके उधर फेंक देते हैं, फिर और बाजरा उठाते हैं, फिर ऐसे टीनों पे फेंक देते हैं अपनी टीन पे, और आस्ते से पूरा खाली करना है ना, तो इसे ऐसे ऐसे फेंक देते हैं। चलो अब गाइस हमने वो फेंक दिया, आएंगे पक्षी और अपना खाते रहेंगे, कबूतर आए कौए हुए कुछ भी आए चिड़िया विड़िया, वो खाते रहेंगे। अब इसमें पानी भरते हैं हम, तो गाइस ये देखो ये उठा लिया है हमने, अब इसे इसमें करके पानी भरते हैं टंकी में। देखो मेरा नाम लिखा हुआ है टंकी पे, लक्की। अरे भाई होता है यार, ये मैंने बहुत पहले लिखा था ना 15 अगस्त के टाइम पे, पानी तो बहुत कम है यार टंकी में। चलो कोई बात नहीं, पहले हम इसे साफ़ करते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसे साफ़ करना पड़ेगा ना, ये धूल है इसमें, टंकी में डालेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो हाँ गाइस हमने देखो साफ़ कर लिया है, और अब हम इसे थोड़ा भर देते हैं। ओके भाई फ़ोन ना गिर जाए, बस दिक्कत ये है, वो पानी तो यार सही है नॉर्मल है, मुझे तो लग रहा गर्म होगा। तो गाइस इसे रख देते हैं, भाई गिर ना जाए, जय श्री राम जय श्री राम। अरे थोड़ा बच के रख दिया। तो गाइस ये देखो हमने इसे यहाँ रख दिया है, और बाजरा वाजरा सब डाल दिया, अब इस टंकी को कर देते हैं बंद। तो गाइस टंकी भी कर दी हमने बंद, ये लक्की नाम तो दिखना चाहिए ना, ये देखो ये लक्की और ये रहा लक्की, ये रहा किंग। तो गाइस बस अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक काम रह गया। तो गाइस मुझे लग रहा था कि यार मैं अपने पानी वानी डाल देता हूँ पेड़ों में, और चिड़ियाओं के लिए पानी रख देता हूँ, उन्हें दाना दे देता हूँ, फिर आ जाऊँगा। लेकिन यार अब मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, शाम के 6:30 हो रहे हैं भाई, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, प्यारा सनसेट हो रहा है, दिखाऊँ क्या? तो गाइस ये देखो सनसेट हो रहा है यहाँ पे, फ़ोन में इतने अच्छे तरीके से तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी में भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। भाई ज़्यादा जूम नहीं है मेरे फ़ोन की, देखो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है भाई, ऑसम बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी का सीन तो कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा थोड़ी फ़ोटोज़ खींचता हूँ फिर चलता हूँ नीचे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, तो मिलता हूँ आपको नीचे जाके। अभी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम की आईडी है LuckyX14, जाके जल्दी से फॉलो करो, और फिर जब तक हम बनाते हैं वीडियो अपनी थोड़ी बहुत। चलो ऊपर से पेड़ों में पानी डाल के आ चुके हैं, और रात भी हो चुकी थी, शाम को नाश्ता वास्ता करके शाम का नाश्ता भी कर लिया, और अब मैं बैठ चुका हूँ पढ़ने। भाई ये देखो 7:30 हो रहे हैं, अब मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ, अब भाई 8:30-9 बजे तक तो पढ़ूंगा ही मैं। ये देखो काम करना है अभी बहुत सारा स्कूल का, अपना सारा काम करूंगा, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, फिर खाना ही बनना है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में काम करने के बाद, 1-2 घंटे में। हाँ गाइस स्कूल का काम हो चुका है, और जो कि मैंने बोला था कि स्कूल का काम करने के बाद मिलता हूँ, तो गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा। तो गाइस आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो बात शेयर ये करनी है कि हमारा जो एसी है वो रात को चलते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो मैं दिखाता हूँ कैसी आवाज़ करता है। पहले गाइस देखो एसी को ऑन कर देते हैं हम, ईजी एसी ऑन हो चुका है। तो गाइस अभी देखना थोड़ी देर में एसी ऑन हो गया, अभी अपने आप ही देखो आवाज़ करेगा, अभी थोड़ी देर वेट करो। तो गाइस ये देखो आवाज़ करने लग गया हमारे एसी। तो गाइस देखो एसी ऐसी आवाज़ आ रही है हमारे एसी में से, कट कट के, पता नहीं क्यों आवाज़ आ रही है ये। अब आप बताओ जब ये कंप्रेसर ऑन ऑन होता है ना इसका, जब ये ऐसी आवाज़ आती है, उससे पहले नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है राइट, रात को भाई बहुत डिस्टर्ब करती है सोने में, इरिटेटिंग आवाज़ है बिल्कुल ये। तो मिलते हैं गाइस यार, अभी खाना दिखा दूँ क्या बनना है। तो ऐसे तो एक तरफ छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं, अभी सर्विस करवाई थी, जब भी ऐसी आवाज़ कर रहे हैं, 2 बार सर्विस हो चुकी है इसकी, देखते हैं क्या होता है फिर। चलो चलते हैं, देखो सुनो
ऐसी आवाज कर रहा है यार। चलो मिलते हैं अभी। तो गाइस ये देखो खाने में मैं खा रहा हूँ अंडे की सब्जी, इसे अंडा करी, अंडा करी कहते हैं, अंडे की सब्जी और चावल जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हाँ गाइस पहले हम खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे, फिर मिलते हैं अभी खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना खा लिया है, तो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से करके चले जाना, और यार लाइक शेयर कमेंट तो यार ज़रूर करना, और यार BGMI वाली वीडियो आने वाली है तो गाइस इंतज़ार करना, आने वाली है, एक दो दिन में आ जाएगी वो BGMI वाली वीडियो, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं BGMI की। तो गाइस बस आप लोगों से इतना ही कहना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। तो गाइस पहले बता रहा हूँ क्या ही बता सकता हूँ मैं, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में, राम राम।